हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है मेक और बाय डिसीजंस। मेक का मतलब होता है खुद से प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, और बाय मतलब किसी थर्ड पार्टी से परचेस करना, सप्लायर से परचेस करना। डिसीजन लिया जाता है कि मेक करना है या बाय करना है, यानी मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट को या किसी बाहर से थर्ड पार्टी से परचेस करना है। तो ये डिसीजन लिया जाता है बिजनेस कंसर्न द्वारा, एसएससी द्वारा। तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। उसका क्या टैक्स इफेक्ट होता है अगर खुद से मैन्युफैक्चर कर ले, परचेज कर ले, तो टैक्स इफेक्ट क्या है, क्या टैक्स एडवांटेजेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब इस कंपनी को रिक्वायरमेंट है एक प्रोडक्ट की, कंपनी है एक्स वाई जेड, इसको रिक्वायरमेंट है, इसको आवश्यकता है एक प्रोडक्ट की। तो कंपनी के पास देखो दो ऑप्शन है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो प्रोडक्ट को बाय कर ले, या तो प्रोडक्ट को बाय कर ले कंपनी, या फिर मैन्युफैक्चर कर ले, या तो बाय कर ले या फिर मैन्युफैक्चर कर ले, दो ऑप्शन है। तो जो एक्स वाई कंपनी है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, हैज टू टेक डिसीजन विच ऑप्शन इज टू बी अडोप्टेड, यानी कौन सा ऑप्शन अडोप्ट करना है, वन और टू, यानी पहला या दूसरा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जब कंपनी एक्स वाई जेड ये डिसीजन लेगी तो काफी फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी। तो मेक और बाय डिसीजंस क्या होता है, मतलब डिसीजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट और बाय ए प्रोडक्ट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स। यानी मेक और बाय डिसीजन का मतलब होता है ऐसा डिसीजन जो रिलेटिंग टू है, यानी संबंधित है किससे, मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट को या फिर बाय करना प्रोडक्ट को, बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि प्रोडक्ट को खुद बनाना है या फिर उसको खरीदना है, परचेस करना है। अब बात कर लेते हैं कौन से वो फैक्टर्स होते हैं वेरियस। तो फैक्टर्स होते हैं कॉस्टिंग, नॉन कॉस्टिंग। फैक्टर्स दो मैंने डिवाइड कर दिया, कॉस्टिंग और नॉन कॉस्टिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको कि ध्यान में रखा जाता है एसएससी द्वारा, जो ये डिसीजन लेने वाला है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है उसके लिए, प्रोडक्ट को खुद बनाना या परचेस करना। तो कॉस्टिंग में देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसमें बातें होगी कॉस्ट की। यहाँ पर कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट आएगा, अगर प्रोडक्ट जो है खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है कंसर्न द्वारा, तो वहां पर कॉस्ट को ध्यान में रखा जाएगा कि कितनी कॉस्ट उसके हाथ में आ रही है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है उस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर अगर देखो कॉस्ट ज्यादा है परचेस से, कॉस्ट अगर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है परचेस, तो सिंपल सी बात है परचेस करना बेटर होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आता है परचेस से, तो परचेस करना बेटर है। और यहाँ पर परचेस प्राइस को ध्यान में रखा जाता है। तो कॉस्टिंग फैक्टर्स के अंदर एक तो कॉस्ट ध्यान में रखोगे आप, दूसरा परचेस प्राइस। कॉस्ट ज्यादा है परचेस से तो फिर बेटर है कि आप उसको परचेस ही कर लो। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉन कॉस्टिंग फैक्टर्स की। इसमें सबसे पहले आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी अगर किसी बिजनेस कंसर्न को, किसी एसएससी को अगर मैन्युफैक्चर करना है, यानी खुद से प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट, तो उसके पास होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की। प्रेजेंट कैपेसिटी क्या है उसकी, कैपेसिटी कितनी है उसकी, बिजनेस कंसर्न में कितने एम्प्लॉयज उसके पास, फैक्ट्रीज में कितने एम्प्लॉई है उसकी अपनी, अब उसको प्रेजेंट कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। कितना फंड्स अवेलेबल है उसके पास फॉर एडिशनल यूनिट, अगर जरूरत पड़ जाए एडिशनल यूनिट, एडिशनल प्लांट सेटअप करने की, तो फंड्स उसके पास क्या अवेलेबल है, फंड्स भी देखना पड़ेगा उसको। मार्केट, अगर एडिशनल अगर प्रोडक्शन हो गया, अगर एडिशनल प्रोडक्शन हो गया, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या मार्केट में सेल हो जाएगा वो, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है उसको। उसके बाद जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, क्या वो रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे अवेलेबल हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट अगर उसने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना लिया उसने, यानी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा कर लिया, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको सेल करना पड़ेगा मार्केट में, और क्या वो रीजनेबल कंडीशन पे मार्केट में सेलेबल है, वो सेल हो जाएगा। दूसरी बात ये देखनी है, अगर कोई प्रोडक्ट वो परचेस कर रहा है, ये तो बात थी खुद से प्रोड्यूस करने की, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, अगर उसको प्रोडक्ट जो है वो परचेस करना किसी थर्ड पार्टी से, तो वो देखेगा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर, कि क्या वो प्रोडक्ट जो परचेस करने वाला है, क्या वो रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट वो परचेस करने वाला है, क्या वो मार्केट में रीजनेबल टर्म्स कंडीशन पे अवेलेबल है, ये भी वो ध्यान में रखेगा। क्योंकि अगर रीजनेबल टर्म्स कंडीशन में नहीं होगा, तो उसकी जो परचेस प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
जो परचेज प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट वो परचेज करने वाले हैं क्या वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और रीजनेबल टर्म्स कंडीशन पे अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद देखा जाता है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर इंपोर्ट किया जाए किसी बाहर कंट्री से अगर परचेज किया जाता है तो उस केस में फॉरेन एक्सचेंज के जो रेगुलेशंस होते हैं जो कंट्रोल्स होते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव हो रहा है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है उसमें बदलाव होता है, नई नई मशीन आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको भी काफ़ी इफेक्ट होता है मैन्युफैक्चर के ऊपर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टैक्स कंसिडर, टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखो अगर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो उसकी कैपेसिटी आपके पास सरप्लस, यानी एसएससी के पास एक सरप्लस कैपेसिटी है प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्लांट एंड मशीनरी अगर वो प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन लेता है और उसको प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन लेने के बावजूद भी उसके पास सरप्लस कैपेसिटी है तो वो क्या करेगा उस प्लांट एंड मशीनरी का जो एक्स्ट्रा है उसके पास। तो अगर वो प्लांट मशीनरी के कुछ पार्ट को वो सेल कर दे, अगर प्लांट एंड मशीनरी के किसी पार्ट को वो सेल कर देता है तो ऐसे केसेस में जो कैपिटल गेन अराइज होगा उस पर टैक्स लग जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। अगर कोई न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप होती है, कोई यूनिट सेटअप होती है अंडरटेकिंग की, मैंने आपको बताया था सेक्शन 80IB और ATI, सेक्शन 80IB डील करता है अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर, जैसे कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई यूनिट सेटअप कर लिया, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो आप, जैसे नेचुरल गैस हो गया, फ्रूट वेजिटेबल्स हो गया, तो इसकी लिस्ट दे रखी है 11th शेड्यूल के अंदर। उस लिस्ट के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो तो आपको सेक्शन 80IB के अंदर 100% डिडक्शन मिल जाएगी, जो भी आप प्रॉफिट गेन अराइज करोगे। तो यहां पर सेक्शन 80IB, 80IC उसकी छूट मिल जाएगी। 80IC मतलब जैसे आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में कोई बिजनेस सेटअप कर लिया है तो वहां पर भी डिडक्शन मिल जाती है प्रॉफिट गेन में से 100%। तो ये एडवांटेज है टैक्स का। अगर जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, प्रोडक्ट को भले ही आप मैन्युफैक्चर करो या प्रोड्यूस करो, तो ध्यान में ये रखना है आपको कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर या परचेस करने वाले हो, क्या वो कैपिटल एसेट है, क्या वो प्रोडक्ट कैपिटल एसेट है। तो ध्यान रखना, अगर कैपिटल एसेट है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर कैपिटल एसेट है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है, तो डेप्रिसिएशन भले आप मैन्युफैक्चर करो भले ही परचेस करो, अगर उस कैपिटल एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउड है तो भले ही आप परचेस करो या मैन्युफैक्चर करो, आपको दोनों केसेस में डेप्रिसिएशन तो अलाउड होगा ही, उसके बाद प्रोडक्ट अगर कंज्यूमेबल है मतलब खुद से यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट अगर कंज्यूमेबल है और कोई पार्ट जो है उसका रिप्लेस होता है, तो रिपेयर होगा, तो रिप्लेस के करने के टाइम जो रिपेयर का एक्सपेंस आएगा, तो जो अगर कोई पार्ट प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमेबल है उसका कोई पार्ट जो है वो रिप्लेस किया जाता है, तो रिप्लेस के टाइम जो भी रिपेयर एक्सपेंसेस होता है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंसेस, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, दैट विल बी डिडक्टेबल, यानी उसकी छूट मिल जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बढ़िया सा एग्जांपल है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसको रिक्वायरमेंट है 20,000 यूनिट्स ऑफ पार्ट ऑफ कार इंजन, वो कार मैन्युफैक्चर करती, कॉमन सी बात है, नाम लिया है मैंने ऑटोमोबाइल, उसको रिक्वायरमेंट है 20,000 यूनिट्स की, वो भी कार इंजन के पार्ट्स चाहिए उसको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एडवाइस देना है आपको कंपनी को, वेदर पार्ट ऑफ कार इंजन शुड बी मेक और इट सेल्फ और बाई इट फ्रॉम द मार्केट, या खुद से उसको कार इंजन के पार्ट को खुद से उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए, मेक करना चाहिए, या फिर बाहर से मार्केट से उसको परचेज कर लेना चाहिए, आपको ये एडवाइस करना है कंपनी। तो सबसे पहले देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो लगता है 40,000 का, डायरेक्ट लेबर जो लगता है वो लगता है 1,60,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है 80,000 और फिक्स कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स उसमें है 1,60,000। और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आता है पर यूनिट वो आता है 20 पर यूनिट, और यहाँ पर ध्यान रखना कंपनी अगर मैन्युफैक्चर करती है तो उसको कोई एडिशनल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके पास ऑलरेडी अपना खुद का प्लांट एंड मशीनरी है, खुद के पास एक अच्छी प्रेजेंट कैपेसिटी है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एडिशनल फैसिलिटी की। आपको बताना है कि कंपनी को बाय करना चाहिए या फिर खुद से उसको मेक करना चाहिए, यानी मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो आप
जब क्वेश्चन करोगे तो ध्यान में रखना, जब भी ऐसा डिसीजन होता है मेक और बाई का, जब भी ऐसा डिसीजन होता है मेक और बाई का, जब भी ऐसा डिसीजन होता है मेक और बाई का। ओ सर कितनी बार बोलोगे आप? आपको देखो ज्यादा बार बोलने से आपको हो सकता है दिमाग थोड़ा सेट हो जाए, लेकिन आप एक बच्चा सोचता हुआ सर जरूरत क्या है बोलने की, हम बार बार देख लेंगे। हाँ ये भी बात सही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है मेक और बाई का, तो आपको ध्यान में रखना है वेरिएबल कॉस्ट, आपको ध्यान में रखना है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो इररिलेवेंट होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो इररिलेवेंट होती, यानी वो संबंधित नहीं होती डिसीजन से, तो उसको आप छोड़ देते हो, आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इसको सोल्व करोगे आप, तो कंपनी, आप अगर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो कंपनी को डायरेक्ट मटेरियल लग जाएगा, डायरेक्ट लेबर लग जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, फिक्स कॉस्ट लग जाएगी, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 440,000 रुपये। कंपनी अगर मैन्युफैक्चर करती है तो उसको कॉस्ट लग जाएगी 440,000 रुपये। मजे की बात यह है कि कंपनी अगर मैन्युफैक्चर ना भी करे तो भी फैक्ट्री का ओवरहेड तो उसको देना ही पड़ेगा, जो कॉस्ट फिक्स है, भले उसमें मैन्युफैक्चर करो या ना करो तो उसकी तो कॉस्ट जाएगी। फिक्स का नाम क्या होता है? फिक्स मतलब फिक्स, भले आप प्रोडक्शन करो ना करो, रेंट तो आपको देना ही है फैक्ट्री का। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, जो आ जाएगी 440,000 रुपये। तो अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट से। टोटल कॉस्ट कितना है 440,000, इसको डिवाइड कर दोगे आप 20,000 यूनिट से, तो आ जाएगा 22 पर यूनिट, यानी 22 रुपये आ जाएगा पर यूनिट, 22 रुपये आ जाएगा पर यूनिट। लेकिन मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जब हम डिसीजन लेते हैं मेक और बाई का, तो हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं ना कि फिक्स कॉस्ट को। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड कर दूं, तो यहां पर जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 280,000। अगर मैं निकालूं कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स जो हो जाएगा 280,000 डिवाइडेड बाई 20,000, वो आ जाएगा 14 पर यूनिट। अब आप देखो अगर कंपनी इसको परचेज करती है बाहर से, अगर कंपनी इसको परचेज करती है बाहर से तो उसको पड़ता है 20 पर यूनिट, लेकिन अगर खुद से मैन्युफैक्चर करती है वो तो उसको पड़ता है 14 पर यूनिट, जो 14 जो है वो 20 से कम है, तो कंपनी को फायदा है ना मैन्युफैक्चर करने में। तो कंपनी शुड मैन्युफैक्चर द पार्ट ऑफ कार इंजन, यानी कंपनी को कार इंजन के पार्ट को मैन्युफैक्चर कर लेना चाहिए, ये कंपनी के लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 14 रुपये, और उसको अगर वो बाहर से परचेस करती है तो उसको सेलिंग प्राइस पड़ता है 20 पर यूनिट का। और मैंने आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट जो है इररिलेवेंट होती है फॉर डिसीजन मेकिंग। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।